हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कमल वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी हमारे दर्शक भाई हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत भी करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन लेके आया हूँ। आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा होगा, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या सिखाने वाले हैं। तो एक कमेंट आई थी, अरे बात पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। इस भजन में हमारा ढोलक में क्या पैटर्न बजा है, तो आइए कोशिश करता हूँ कि आज की इस वीडियो में वो पैटर्न मैं आप लोगों को बता पाऊँ, सिखा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। जब तक आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, पैटर्न समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को ना ही सीख पाएंगे। इसलिए हमारी वीडियो पर बने रहिए। और मैं निवेदन करता हूँ भाई कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से या जहां पे सब्सक्राइब की पट्टी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए और पास में बेल आइकन का निशान भी आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा दोस्तों और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा इतना निवेदन है बस। और हमसे ढोलक सीखिएगा, मैं आप लोगों के लिए हर बार हर एक नई वीडियो में कुछ नया ही लेके आता हूँ, नया पैटर्न, नया ठेका या कुछ भी। तो आइए आज की इस वीडियो में भी एक नए ही पैटर्न है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहली बार एक बार मैं आप लोगों को भजन जो ये है इसको सुना रहा हूँ, उसके बाद में इसके पैटर्न बता रहा हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भजन में कुछ इस तरह का मुखड़े में बजा है ढोलक में। तो आइए सीखते हैं। पहली बार तो हम दो बार ताता ताता बजाएंगे, कैसे, अरे द्वार पालो ताता, उसके बाद में कन्हैया से कह दो धिंता, ताता हमारा बजेगा फर्स्ट फिंगर से किनार पे और इसके साथ में बाया, उसके बाद में कन्हैया से कह दो धिंता, जैसे हम धा बजाते हैं खुला फर्स्ट फिंगर को मिला के चाटी पे और ये धा धा, इसको हम धिन मानेंगे, उसके बाद में ता वही मारा धिंता। तो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, उसके बाद में तीसरी बार में अरे द्वार पालो, ये होता है पैटर्न हमारा है ता घेरना घेरना। आप लोग इन बोलों को लिखते जाइएगा, मैं सारे बोलों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां से भी आप लोग लिख लेना और आप लोग साथ में हो सके तो सीखते भी जाइएगा। इसका बोल है ता घरना घरना, पहले हम फर्स्ट फिंगर से केवल ता बजाएंगे, ये ता ता, उसके बाद में है घे घे, ये मानेंगे घे
केवल घे के बाद में घे रा, रा है, रा हमारा दो फिंगर से बजता है किनार पे, तो हो गया ता घे ना, ना फर्स्ट फिंगर से रहेगा, रा दो फिंगर से, ना फर्स्ट फिंगर से, तो ता घेर ना घेर ना, ता घेर ना घेर ना, इसी को हमें बजाना है ता घरना घरना को। कैसे? अरे द्वारपालों, दो बार ताता हो गया, कन्हैया से कह दो धिंगा, तीसरी बार में अरे द्वारपालों, ता घना घना, कन्हैया से कह दो, चौथी बार में हमारा तिद्धा त्रिकिट तिद्धा त्रिकिट, त्रिकिट ये हमने अभी पिछली वीडियो में ही बताई आप लोगों को है, जिसमें हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, जो पैटर्न हमने बताया था उसमें, उस गाने में ये तिद्धा त्रिकिट तिद्धा त्रिकिट बजाना कैसे बजता हमारा है त्रिकिट तिद्धा, उसमें बताया है। तो आप लोग, मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी उस वीडियो को देखना, वहां से इसको सीख लेना और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत से देखते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुधा हमारा कहरवा शुरू हो जाता है। ये किधर पे सुधा, ये ता 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 धित धाना, ता 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 धित धाना, तीन बार है ता ता ता, या दादा भी कर सकते हैं, दादा दा। ये ता 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 धित धाना धित धाना, तो ये तीन बार है ता ता ता, या धा 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 कर सकते हैं, कि दर पे सुधा हरी बा गया है, अब धा धा लगाएंगे, कि दर पे सुधा हरी बा गया है, तो धित धाना कैसे बताएंगे। आइए हम ये जो कहरवा है, धित धाना धित धाना धित धाना धित धाना, इस कहरे को हम कैसे बजाएं अच्छा, जिसमें बजाने में हमें सुंदरता आए खूबसूरती आए। सारा खेल बाएं का होता है, बाएं हाथ का है, बायां हाथ जब तक जितना हम स्लाइड करके बजाएंगे, फिसला के बजाएंगे, उतना ही हमारा ठेका हो या का कुछ भी हो अच्छा बजता है, खूबसूरती उसमें आती है। तो पहले है धित धाना तित धाना, हमने बताया कुछ बोल अंदर बजते हैं कुछ बाहर बजते हैं, यानी कुछ बंद बोल होते हैं कुछ खुला बोल होते हैं, तो धी धी ती धिन तिन ते टे त्रिकिट ये सब बंद बोल है, खुला बोल धा है ता है ना है। पहला बोल क्या है, धी धी है, तो धी हमारा बंद बोल है, तो चाटी से किनारे से कुछ थोड़ा अंदर बजेगा, धी पहली फिंगर से धी थोड़ा आगे बढ़ के धी, और हाँ ध्यान रहे कि इस धी पे हम ये इस वाला ये धी बजाएंगे हाथ को स्लाइड करके, ये नहीं कि ये नहीं बजाना हमें, ये धी 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 कैसे धी धी धी, उसके बाद में है त धी त, ता हम दो फिंगर से बजाएंगे दो, तो हो गया धी त धी त धी त, उसके बाद में है धाना, ये हमारे धा और ना खुला बोल है जो किनारे में बजेंगे, धित धाना धित धित धाना, तो धी हो गया ता हो गया, अब धा हमारा कैसे बजेगा, जो बारीकियां हम बता रहे हैं बारीकियां कोई नहीं बताएगा, तो धी पे जब हम हाथ आगे करेंगे धी और ता, फिर उसके बाद में है धा, और धा में हम अंदर अपनी तरफ अंदर की तरफ बजाएंगे धा, धी में जब हम आगे हाथ को ले गए थे अब धा में पीछे लाना है, धित धाना
आगे धा में पीछे, धी में आगे धा में पीछे, धी त धा, तो ये हो गया ऐसे। और धा में पीछे के हाथ लाएंगे, उसके बाद में जो ना हमारा है, ना पे हमारा हाथ पट हो जाएगा। कैसे, जरा एक बार आप लोग बाएं ही देख लीजिए। उसके बाद में है तित धाना। तो जैसे हमने धित बजाया था, वैसे हम तित बजाएंगे। धित धी में बाया लगा था, अब ती में बाया नहीं लगेगा। धित धाना, तित तित धाना, धाना हमारा वैसे बजना है। लेकिन ध्यान रहे, इस नाम में बाया पट नहीं होगा। पहले वाले नाम में जो पहला धाना है ना, उसमें हाथ पट हो जाएगा। और जो लास्ट वाला धाना है, उस नामे बाया पट नहीं होगा, केवल ये है। धित धीमे, पहले फर्स्ट फिंगर को धीमे आगे स्लाइड करके बजाएंगे, ता दो फिंगर से रहेगा। धित धा में अपनी तरफ खींचेंगे, धित धा, और ना पे हाथ पट हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारी म्यूजिक स्टार्ट हो जाती है। म्यूजिक में कहरवा की दुगुनी ही बजती है, फर्स्ट बजता कहरवा है। ये तो ये कहरवा की दुगुनी है, आप सभी जानते हैं। इसका बोल हम कई वीडियो में बता चुके हैं, ये कहरवा की दुगुन है। इसका बोल है तता घेना धा, तता घेना धा। इस कहरवा की दुगुन की कई वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग, मैं निवेदन करता हूं कि ये कहरवा की दुगुन मेरी पिछली वीडियो में जाके आप लोग सीख लेना। और उसके बाद में आइए अंतरे से स्टार्ट करते हैं। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। अंतरे से तिट ता त्रिकेट तक त्रिकेट, न सर पे है पगड़ी, तिट ता त्रिकेट तक त्रिकेट। यहां से हमारा अंतरा शुरू होता है, ते चे, पहली फिंगर से ते और ते, ते चे, ते चे ता, ते चे बंद बजेगा, ते चे यहां पे बजेगा आगे, ते चे ता, ता हमारा पीछे की तरफ बजेगा, ते चे ता, ते चे ता, ती ते ता तिरकिट तक तिरकिट। फिर वही कहरवा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, ये वाला। तो इसके पहले तो जो पैटर्न हो गया तेटे ता तिरकिट तिरकिट, उसके बाद में धित धाना तित धाना, हमारा वही कहरवा बसता है। नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, तो ये हो गया। उसके बाद में नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, आइए ये वाला पैटर्न हम सीखते हैं। इसका बोल क्या है, इसका बोल है धित तागे तित ताके, धित तागे तित ताके, सॉरी धित तागे तित ता, धित तागे तित ता,
धित्ता, ये इसका बोल है। तो पहले धी, जो हमारा धी है, ये जैसे हम थपकी बजाते हैं ताली, ये बीच में मारेंगे और ये बायां को स्लाइड करना हमें, ये धित धित धित। तो बाएं को स्लाइड करेंगे धी पे, उसके बाद में ता धिता गे, उसके बाद में ता के बाद में ये है, जैसे धित हो गया, ता हो गया, उसके बाद में धी हो गया। पहले धी तो साथ साथ में जाएंगे, इधर बाएं तरफ देख लीजिए और तागे, तागे। उसके बाद में है तित, जैसे हमने धी बजाया उसी प्रकार से ती बजना है, लेकिन ती पे ये बया नहीं लगेगा। तित बजाएंगे, उसके बाद में ता पे ये ता बजाएंगे, बिल्कुल ता वाला, तागे तित्ता, धित तागे तित्ता। तो धित हो गया तागे तित्ता, ता धित तागे तित्ता, धित तागे तित्ता। इसका ये बोल हुआ है, बजेगा इसे। ये है धित तागे तित्ता, धित तागे तित्ता। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी। तो फिर हमारा कैरवा बजना शुरू हो जाएगा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, तुम एक बार मोहन। फिर हमारा वही शुरुआत से पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, खुशी का समान। तो ये बाकी कुछ नहीं है, गाने को आप लोग सुनिएगा कई बार, और जहां तक हो सके आप लोग गाना जब सुनिया, जब आप लोग गाना सुना करें तब हेडफोन लगा के गाने को सुनिएगा और ढोलक लेके बैठिएगा। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि गाने पर आप लोग बजाना सीखें, तब आप लोग अच्छा बजा पाएंगे और सीख भी जाएंगे। तो एक बार आप लोग गाना सुनिएगा और गाने के साथ में ढोलक बजाना सीखिएगा, कोशिश करिएगा। और जितना हमसे हो सका हमने पैटर्न बताया, उसका बोल भी बताया। अगर आप लोग थोड़ा बहुत बजा लेते हैं तो जल्दी ही सीख जाएंगे, जल्दी बजाना आ जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग रियाज कीजिए, अभ्यास कीजिए। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कहीं कोई फॉल्ट, कहीं कोई गलती या कुछ भी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जाकर के हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, अगर अच्छी ना लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना क्यों नहीं अच्छी लगी आप लोगों को, इसमें क्या कोई दिक्कत कोई बात है या कौन सा कोई पैटर्न नहीं समझ में आया। मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में। नमस्कार।